हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, हम लोगों ने जो बुक स्टार्ट किया था इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ठीक है, तो इसके हम लोगों ने चार ब्लॉक को देखा था, जिसमें से हम लोगों ने दो ब्लॉक को कंप्लीट किया था और दो ब्लॉक अभी भी बचे हुए थे, बट मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था। बट मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि मैम, आप नेक्स्ट इसकी जो ब्लॉक है उसको प्लीज़ अपलोड कीजिए। सो हम आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग है उसी को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, सो आप देख सकते हो हमारा जो थर्ड ब्लॉग है वो है हमारा कल्चर एंड एंटरटेनमेंट। ओके, तो इस ब्लॉग पे हम लोग बात करेंगे। ओके, सो गाइस, हम अपने पैसेज पे आएंगे, ये जो ब्लॉग है हमारा, तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये जो कल्चर और एंटरटेनमेंट क्या होता है, स्पेशली हम लोग इंडिया के कल्चर और यहाँ के जो एंटरटेनमेंट है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बिकॉज इस कोर्स में हम लोगों ने चार को देखा, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट दो को कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तीसरा ब्लॉग है जिसमें हमें कल्चर यानी कि इंडिया की कल्चर और यहाँ का डाइवर्स इन्हें आई मीन यहाँ के जो एंटरटेनमेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। ओके, सो यहाँ की आप जानते होंगे कि इंडिया में कितनी तरह के लोग रहते हैं और यहाँ पर उन्हीं सभी के कल्चर यानी कि जितने स्टेट है सबका अपना अलग डिफरेंट टाइप का कल्चर है, उनकी भाषा है, उनके संस्कार है और बहुत सारी चीज़ें। बट फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी इंडिया में एकता है, यूनिटी है, और यही चीज़ें इंडिया को सबसे डिफरेंट और सबसे ग्रेट बनाती है ना, कि हमारे यहाँ पर हम लोग किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं, है ना। बेशक आप कहीं और के हो, आपका कल्चर अलग हो, बट वी आर एक्सेप्ट, है ना, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक बाहर के लोगों को भी ये चीज़ बहुत पसंद आती है और इंडिया में सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के कल्चर हैं। यहाँ की खान, भाषा, एवरीथिंग हर स्टेट की डिफरेंट है, तो उसी पर हम लोग बात करेंगे। तो ये जो ब्लॉग आप पढ़ोगे तो इसमें आपको अलग अलग तरह के संस्कार क्या होते हैं, कल्चर क्या होता है, क्या क्या एंटरटेनमेंट होते हैं, ये सब के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होगी, एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। वैसे तो ये बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, आप इसको कर सकते हो, बट इस बुक में हम लोग जो जो पैसेज दिए गए हैं उसके थ्रू हम लोग थोड़ा बहुत कल्चर और एंटरटेनमेंट के बारे में अच्छे से समझेंगे। ओके, सो गाइज, ये हमारा जो आप देख सकते हो पैसेज है, इसे जिस राइटर ने लिखा है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर किया है, ठीक है, यानी कि वो जब नागालैंड घूमने गए थे। स्पेशली हम लोग बात करेंगे नागालैंड के ऊपर, ठीक है। आप ये पैसेज को पढ़ के आप देख सकते हो कि नागालैंड जो हमारा इंडिया का नागालैंड, आपको पता है कहाँ है, तो ये हमारा नॉर्थ स्टेट में है, ठीक है। तो ये इंडिया का एक बहुत ही ब्यूटिफुल हमारा स्टेट है। ओके, तो यहाँ पर के जो फेस्टिवल होते हैं जो कि बहुत ही फेमस है और आई थिंक ये सभी को पता होगा, जो कि हमारा है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। तो ये फेस्टिवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आप बोल सकते हो, इसमें बहुत तरह के आपके कल्चर देखने को मिलते हैं। तो इसी पैसेज में हम लोग इसी फेस्टिवल जो कि नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पैसेज के थ्रू हम लोग नागालैंड के बारे में और वहाँ के इस फेस्टिवल के बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो गाइज, इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पैसेज पे थोड़ा आते हैं और इसके पहले हम लोग नागालैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नागालैंड में वैसे तो आप देखोगे तो 16 से 17 प्रजातियाँ रहती है और जितनी प्रजाति है ये नहीं कि सबके कल्चर सेम है, जितने हैं सभी के कल्चर या फिर वहाँ का जो ट्रेडिशनल है सभी चीज़ें डिफरेंट है, पर फिर भी लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें नागालैंड की बहुत अच्छी लगती है लोगों को और ये जो फेस्टिवल है ना, इसकी विजिटिंग करने के लिए वर्ल्ड से यानी कि पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, देखते हैं और उन्हें ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये तो जस्ट बेसिक हम लोगों ने नागालैंड के बारे में पढ़ा और नागालैंड तो एक तरफ से पूरा आप देखोगे तो पहले तो ये पूरा जंगलों के बीच ही था, अभी भी है, बट फिर भी लोग रहते हैं तो एक तरह से रहने से वहाँ का माहौल थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पैसेज को एक एक करके समझेंगे और इसको जानेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो पैसेज दिया गया है आप देख सकते हो नागालैंड का, तो ये हमारा दिया गया है कि इफ़ इंडिया इज़ द माइक्रोजम दैट रिप्रेजेंट यूनिटी इन डाइवर्सिटी,
ओके तो आई मीन इंडिया का देखो सबसे अच्छा लगता है ना, अभी हम लोगों ने जो बात की कि इंडिया में कितने तरह के डाइवर्सिटी पाए जाते हैं, कितनी तरह के कल्चर, हर चीज़ बहुत तरह की है, बट फिर भी सभी के अंदर यूनिटी है। एवरी थिंग इज़ वेरी गुड लाइक इंडिया, जस्ट लाइक यहाँ के कल्चर बहुत लोग पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है यहाँ के कल्चर, बिकॉज यहाँ पर लोग जो होते हैं वो किसी से ये नहीं करते हैं कि उनका कल्चर ये है तो हम उनसे नफ़रत करेंगे। स्पेशली पॉलिटिक्स में होता है, बट हर लोग ऐसा नहीं होता है। ओके तो पहले तो बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि पहले तो लोगों में और ज़्यादा प्यार था, बट ये धीरे धीरे कम हो रही है। आई थिंक एक तरह से इंडिया की जो संस्कृति है वो एक तरह से छुप रही है, तो हमें उसको आई थिंक सजो के रखना चाहिए। तो उसी पे ये हमारा कोर्स जो है पूरा दिखा गया है कि आप इसको पढ़ के समझो, अपनी संस्कृति को दबाना नहीं चाहिए, है ना, उस पर हमें प्राउड होना चाहिए। ओके अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो नागालैंड इज़ द माइक्रोजम ऑफ दैट ऑफ फिलोसफी, अ मेटिंग प्लॉट ऑफ डिफरेंट ट्रिबल कल्चर एंड क्यूजिंग। नागालैंड इज़ द प्लेस वेयर, ठीक है, तो प्राइमरिंग आइसलेस कैम स्कैनिंग पीपल कैन लीव यू फ्लोर। ओके तो ये जो हमारा है यानी कि नागालैंड जो है हमारा, यहाँ पर बहुत तरह के कल्चर्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, और स्पेशली आप देखोगे तो यहाँ पर अलग तरह के बहुत तरह के लोग भी होते हैं जिनकी संस्कृति अलग होती है, बट हर चीज़ अलग है, बट फिर भी लोग एक दूसरे के साथ है, ठीक है। और ये जो राइटर है ना, जब ये विज़िट करने जाते हैं नागालैंड में इस फेस्टिवल में, तो उन्हें ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि यहाँ पर लाइन में दिया गया आप देख सकते हो, आई डिस्कवर दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ अतिथि देवो भवो, है ना। तो अतिथि देवो भवो का मतलब क्या होता है ना, तो हम सबको पता है कि इंडिया में जो गेस्ट होते हैं यानी कि जो मेहमान आते हैं उन्हें भगवान माना जाता है, यानी कि उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर राइटर ने दिखाया कि मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने इस चीज़ को खोजा, डिस्कवर किया कि ये जो गॉड होते हैं, मैंने कि यहाँ पर जो गेस्ट होते हैं ना उन्हें गॉड का दर्जा दिया जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी यहाँ पर। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे देखेंगे, ये जो हमारा लाइन है कि इस पैराग्राफ में हम लोग इसको समझ लेते हैं पहले, कि द हॉर्नबिल फेस्टिवल शोकेस अ मेलिंग ऑफ द कल्चर डिस्प्ले अंडर वन रूफ। आई मीन इस लाइन का मतलब ये हुआ कि यहाँ की जो कल्चर है, ये फेस्टिवल जो मनाया जाता है, ऐसा लगता है ना कि जब ये स्टार्ट होता है ना ये फेस्टिवल, तो लगता है कि सारे जो देश की जो कल्चर है, जितने भी कला है, वो सभी एक रूप में यानी कि एक छत के नीचे आकर समा जाते हैं। क्योंकि ये जो फेस्टिवल होता है ना, इसमें बहुत तरह के जो कला होती हैं, आप देख सकती हो कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर नृत्य होते हैं, और ये सारी जो है एक चीज़ में समा जाती है ना। ये नहीं है कि आप दूसरे स्टेट के हो तो आप अपनी कला को प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है इस खेल का। बिकॉज इसमें जो है ना, तो ये बहुत ही स्पेशली जो लोग दूसरे जगह से भी होते हैं वो भी अपनी कला को इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, और ये जो चीज़ है इस फेस्टिवल की बहुत ही निखारती है और लोगों को अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर बहुत तरह के जो आप हाथ से जो बनाए जाते हैं ना, कला, चित्रकला हो गया, ड्राइंग वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पर सारी चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है। अलग अलग टाइप के आपके जो डांस होते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और ये जो फेस्टिवल यानी कि आप देखोगे तो ये फेस्टिवल हमारा, यहाँ पर एक लाइन छूट गया, मैं फिर से कंटिन्यू करती हूँ कि दिसंबर में, ठीक है, आई मीन देखो पूरा वर्ल्ड में जब क्रिसमस की तैयारी होती है दिसंबर में, उसी टाइम ये जो लाइन दिया गया है, दिसंबर 1 to 10 इन द स्टेट कैपिटल कोहिमा, ठीक है। तो कोहिमा जो है वो आपका एक तरह से नागालैंड की राजधानी है, तो यहीं पर ये जो सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा आप देखोगे तो एक प्लेस है जहाँ पर ये गांव टाइप का है, वहाँ पर इस ये जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम है कोहिमा, ठीक है। सो कोहिमा तो इसकी राजधानी हो गई, बट ये जो किस्मा है, आप ये लाइन देख सकते हो किस्मा, तो यहाँ पर ये छोटा सा एक गांव है जहाँ पर ये 12 किलोमीटर दूर है ये जो राजधानी है आपका नागालैंड की, कोहिमा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर ये गांव जो मिलकर है सेलिब्रेट करते हैं, ओके। और ये जो है वो 1 से 10 दिन तक मतलब इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये बहुत ही धूमधाम से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ के जो लोग हैं ना,
वो एक तरफ से आप इनका रहन यानी कि इनकी पोशाक आप देखोगे तो बहुत ही डिफरेंट है, आई मीन एक तरह से बहुत ही अलग आप बोल सकते हो कि हर चीज़ यहाँ के लोग उतने, जैसे कि पैंट शर्ट हो गया ये सब चीज़ें नहीं पहनते, यानी कि पूरी पोशाक ही अलग है यहाँ की। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। और अगर हमें इसका एक्सपीरियंस करना है तो सबसे बेस्ट है, वैसे तो हम लोग पढ़ के बस नॉलेज ले सकते हैं, बट जो जाकर देखा जाता है उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है ना गाइस। बिकॉज हम कोई चीज़ जब आँखों से अपने देखते हैं, उस चीज़ को फील करते हैं, तो वो जगह या हर चीज़ में ये लागू होता है, तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वैसे तो हम लोग थ्योरी से इस चीज़ को जान सकते हैं, बट वहाँ पर लोग जाते हैं, अलग अलग देश के लोग जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोशूट होते हैं, और वो सब लोग अब उस कला को लेकर पूरी दुनिया में फैलाते हैं, और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है लोगों की, ठीक है। और ये सब चीज़ें एक तरह से लोगों को बहुत अट्रैक्ट भी करती है इस प्लेस के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फेस्टिवल है इसे ऑर्गेनाइज़ कौन करता है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ की जो लेडी है, जैसे कि आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द बोनो जे जमीर, नागालैंड फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये हमारी जो नागालैंड की फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी वुमेन है, यानी कि यह लेडी हैं जिन्हों मतलब इन यही ऑर्गेनाइज करती हैं, और ये यहाँ की फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, बिकॉज आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आप करके यहाँ के पैसेज को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और इसकी और एक बहुत ही स्पेशल बात है ना, कि ये जो फेस्टिवल है ना, ये मनाया जाता है यहाँ की एक चिड़िया है जिसका नाम है हॉर्नबिल, ठीक है। तो ये जो आपकी चिड़िया है इसी के नाम पर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, बिकॉज़ ये चिड़िया को ये लोग यहाँ पर एक तरफ से गॉड का दर्जा देते हैं, ये पूजनीय टाइप की होती है, और इसी को ये लोग पवित्र मानते हैं, और इसी के नाम पर इस फेस्टिवल को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, ओके। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। अब गाइस यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है जिसे आप देख सकते हो, कि मतलब कि ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ना फेस्टिवल, जो कि एक बर्ड का नाम है जिसका नाम है हॉर्नबिल, ठीक है। तो इसी के नाम पर इस फेस्टिवल को तो मनाया जाता है, पर इसके पीछे लोगों की आप एक तरह से बोल सकते हो कि लोक कथा या फिर जो भी है, तो यहाँ पर दिया गया, इसलिए मैं आपको समझा दे रही हूँ कि ये जो मतलब ये बर्ड था ना, तो ये बर्ड पहले नहीं रहता है, पहले एक आदमी रहता है, पर इसकी जो माँ होती है ना सौतेली, उसके दुर्व्यवहार को ये सह नहीं पाता है, और फिर ये एक दिन मतलब अदरवाइज़ किसी रीज़न से वो एक बर्ड बन जाता है, और फिर वो उड़ जाता है, ठीक है। लेकिन और फिर वो बोलकर जाता है कि मैं कभी नहीं आऊँगा, बट फिर भी मतलब एक टाइम होता है कि वो रिटर्न आता है, और उसकी दो प्रेमिकाएं होती है, ठीक है। पर दोनों से वो जब मिलता है तो वो दोनों की शादी हो जाती है, जिसके कारण वो बहुत दुखी होता है, पर फिर भी उन्हें वो एक दो पंख देता है दोनों को एक एक करके, और फिर वो देकर कभी वापस नहीं आता है। तो ये छोटी सी स्टोरी है, ये लोक कथा है, ये झूठी या सच्ची आप बोल सकते हो, बट लोगों की मान्यता है यहाँ की। और उसी पंख को ये लोग देखोगे आप पिक में, कि इस तरह से वो लोग पंख में अपने मतलब सिर पे जो है लगाते हैं, और इसको ये काफ़ी पवित्र मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से छोटी सी स्टोरी, आई मीन किसी भी रीज़न, जैसे कि हम लोग सिर्फ नागालैंड की बात नहीं करते हैं, अदरवाइज़ भी कोई कंट्री होता है या फिर सिटी होता है, तो वहाँ पर भी मतलब अलग तरह की ये स्टोरीज़ होती है। कोई भी सेलिब्रेशन या कुछ भी होता है ना, उसके पीछे स्टोरी होती है ना, तो उसी तरह यहाँ की भी एक छोटी सी स्टोरी है। इस स्टोरी को आप डीपली पढ़ सकते हो, ठीक है, मैंने शॉर्टली आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो लास्ट की जो पैसेज है नीचे वाली, तो ये जो फेस्टिवल है इसको अधिकतर जो हाईलाइट करता है वो यहाँ का ट्रिबल डांस होता है, एक्सहैबिटेशंस एंड सेल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, फूड एंड हर्बल्स, मेडिसिन, स्टेल, फैशंस एंड फ्लावर शो, ब्यूटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ की जो है ना, ये इस फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा एक ब्राइट लुक देती है, और लोगों को अट्रैक्ट करती है। यहाँ के स्पेशली जो डांस होता है, और यहाँ पर जो लोग बनाकर जो अलग अलग तरह की चीज़ें बेचते हैं, फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, फैशन, बहुत तरह के फैशन की चीज़ें, फ्लावर हो गया, और ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, बांस के बनाए हुए चीज़ों को वो लोग डालते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो यहाँ पर एक तरह से ना लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिवल है। आई थिंक इस फेस्टिवल को सभी को देखना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप सभी, कभी मौका मिलेगा तो आप जाओगे घूमने यहाँ पर, ठीक है। और ये जो फेस्टिवल है ना, ये ओनली
ओनली मतलब प्रेजेंट को नहीं दिखाती है, यह पास्ट और प्रेजेंट दोनों को सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल में, ठीक है। मतलब एक तरह से उसको दिखाया जाता है, तो इस तरह से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को आप अच्छे से देख सकते हो, बट वहाँ पर आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ पर एक्सपीरियंस होगा। ये आपका सब क्वेश्चन है, आप इसको देख लो, पैसेज को आप पढ़ोगे, मैंने तो ऐसे समझा दिया। अब आपको इस पैसेज को करना है, तो आप इसको वहाँ से लेकर पैसेज को आप अपने से बनाकर कर सकते हो, ठीक है गाइस। सो गाइस, मैंने इस पैसेज को समझाया, अब इसकी नेक्स्ट जो पार्ट है यानी कि नेक्स्ट जो आपको समझना है, तो मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगी, ओके। तब तक आप इसको अच्छे से समझो, ठीक है। और अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड बाय, टेक केयर गाइज।